तो क्योंकि आप बोल रहे हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है, तो मिड कैप्स पे आए इससे पहले लार्ज कैप में आपके क्या बाय कॉल्स होंगे? देखिए, अगर 10% तक का डाउनसाइड बन सकता है, जो अभी नहीं है पिक्चर, जब तलक निफ्टी वास्तव में देखिए 22,650 से लेके 22,050 तक की रेंज है, तो बड़ी मंदी का कॉल, 20,000 की मंदी का कॉल ट्रिगर तभी बैठेगा जब हम 22,050 के नीचे चले जाएंगे। पर मान के चलिए कि एक बार के लिए अज्यूम करिए 10% तक के करेक्शन की जगह है अगले दो दो ढाई महीने में, तो सारे के सारे स्टॉक्स 10% नहीं घटेंगे। जैसे अडानी पोर्ट्स और सिप्ला मुझे लगता है 30-30% घट जाएंगे, और हो सकता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा 25% घट जाए। तो अगर कुछ स्टॉक्स इतने ज्यादा घटेंगे और इंडेक्स सिर्फ 10% घटेगी, तो कुछ स्टॉक्स के अंदर में बाइंग करके भी आप पैसे कमा सकते हो। सारे स्टॉक्स को एक साथ चलना जरूरी नहीं है, लीड लैग्स रहेंगे। तो भले ही बाटा मान लो अगर इंडेक्स का हिस्सा नहीं भी है, तो बाटा का लगता है कि एक लॉन्ग टर्म बॉटम यहाँ बन गया। आईटीसी पे मैंने आपसे बहस की थी अनुज, कि बैट बच्चा नहीं है, पर हो सकता है मुझे वो कॉल रिवाइज करना पड़े। अगर आईटीसी भी 405 के नीचे चला गया तो लॉन्ग काट के शॉर्ट करना पड़ेगा। तो अब अगर नवीन फ्लोराइन के रिजल्ट्स बहुत खराब थे और वो स्टॉक बिल्कुल कूट दिया गया, पर अब चार्ट के हिसाब से अगर एयू बैंक और नवीन फ्लोराइन अब वापस बॉटम बना के बढ़ रहे हैं, तो जिस चीजों को लेना नहीं है, लोगों को लेने का लॉजिक नहीं है, वो चीजें बढ़ जाएंगी, और जिन चीजों को बेचने का लॉजिक नहीं है, वो घट जाएंगी। ऐसा हो सकता है बाजार में?